कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइव बेस्ट साउथ मूवीज़ जो कि जनवरी 2021 में रिलीज़ होने वाली है। वैसे तो फैंस को काफ़ी टाइम से साउथ मूवीज़ का इंतज़ार था, लेकिन 2020 मूवीज लवर के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी मूवीज़ जो कि दिसंबर 2020 में ही रिलीज़ होना था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी फिल्म मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में पांचवें नंबर पे आते हैं वकील साहब। जी हाँ, यह अपकमिंग तेलुगु कार्टून ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं वेणु श्रीराम और इसको प्रोड्यूस करेंगे बोनी कपूर और दिलराज। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे पवन कल्याण जो कि दो साल बाद पर्दे पे नजर आने वाले हैं। इसमें और भी कई स्टार्स हैं जैसे कि अंजलि, नमिता थॉमस, अनन्या नागा और प्रकाश राव। वैसे तो ये मूवी को 15 मई 2020 में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे डिले कर दिया गया। फाइनली ये मूवी 15 जनवरी को सिनेमाघरों में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है ये मूवी 2021 के ब्लॉकबस्टर हो सकता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मूवी है सलार, जो कि एक अपकमिंग कन्नड़ मूवी है जिसे तेलुगु, तमिल और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी के लीड एक्टर बाहुबली प्रकाश और इसको डायरेक्ट करेंगे प्रशांत, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मूवी किस लेवल की होने वाली है। हालांकि इस मूवी का अभी शूटिंग चल ही रहा है, इसे कोई खबर नहीं आया कि रिलीज कब होगी। वैसे उम्मीद है कि ये मूवी आपको इसी साल देखने को मिल सकती है। आपका इस मूवी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है पुष्पा। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं सुकुमार। इस फिल्म के लीड स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना, जबकि जगपति बाबू, प्रकाश राज, सुनील, हर्ष उत्मान और वेनिला किशोर सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म तेलुगु साथ ही साथ मलयालम, तमिल और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 8 जनवरी को 2021 के सिनेमाघरों में देखने को मिल सकता है। अगर आप भी अल्लू अर्जुन सर की मूवी का काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेड, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर तमिल फिल्म थडम का रीमेक है। यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं किशोर थेरेमुला और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं साबरमती रवि। इस मूवी में राम एक लीड स्टार में दिखाई देंगे और साथ ही अमिता अय्यर, संपत राज और वेनिला किशोर सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। यह मूवी 14 जनवरी, जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन रिलीज की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी जो इस लिस्ट के पहले नंबर पे है, क्रैक। क्रैक जो है कि मोस्ट अवेटेड साउथ मूवी में से एक है। इस फिल्म का काफ़ी लंबे टाइम से शूटिंग चल रहा था और फाइनली 14 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में नजर आने वाले हैं रवि तेजा और साथ में लीड एक्ट्रेस श्रुति हसन। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं गोपी चंद मालिनी ने। इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है यूट्यूब पर, तो तुरंत जाए ट्रेलर को देख लें।